बरेली उत्तर प्रदेश सरकार के सामूहिक विवाह समारोह की योजना के अंतर्गत नवाबगंज के ब्लॉक प्रमुख प्रज्ञा गंगवार के ज्येष्ठ डॉक्टर आशुतोष एके गंगवार के नेतृत्व में 9 मुस्लिम जोड़ों के साथ 71 नवविवाहित जोड़े बंधे बंधन में आशीर्वाद देने पहुंचे हजारों लोग। आपको ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब कन्याओं के विवाह की योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत आज नवाबगंज तहसील के दोनों ब्लॉकों में सामूहिक विवाह समारोह हुआ, जिसमें नवाबगंज ब्लॉक समारोह डिजाइन फैक्ट्री के सामने सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 9 मुस्लिम गरीब बेटियां के साथ 62 हिंदू बेटियां विवाह के बंधन में बंधी, जबकि ब्लॉक भदपुरा में 50 से अधिक गरीब बेटियां बंधन में बंधी। दोनों ब्लॉकों में भाजपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रहा। भाजपा बरेली के जिला अध्यक्ष पवन शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष महाराज सिंह, डॉक्टर एम पी आर्य, डॉक्टर ए के गंगवार, डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार, विमला शुक्ला, नवाबगंज से भाजपा के प्रबल दावेदार समाजसेवी रमेश गंगवार, पुष्पा गंगवार, रामपाल गंगवार, विशाल गंगवार, ब्लॉक प्रमुख प्रज्ञा गंगवार, अरविंद शुक्ला, रमेश मुनिदेव महाराज, युवा कल्याण अधिकारी दानिश, नवाबगंज के वीडियो चंद मोहन कनौजिया मौजूद थे। वहीं नवाबगंज तहसील के दोनों ब्लॉकों में शादी समारोह का कार्यक्रम हुआ। ब्लॉक भदपुरा की ब्लॉक प्रमुख रश्मि गंगवार के साथ समाजसेवी रमेश गंगवार, उनकी पत्नी पुष्पा गंगवार ने सभी कन्याओं को प्रेस देखकर उनका स्वागत किया। नवाबगंज ब्लॉक में भी समाजसेवी रमेश गंगवार ने कन्याओं को डिनर सेट दिया। सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बरेली के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार को आना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुँच पाए। भाजपा के जिला अध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन काल में सभी वर्गों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। प्रदेश में विकास का पहिया दौड़ा है और आगे भी दौड़ता रहेगा। कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से अपना काम कर रही, गुंडे जेलों में है, महिलाओं को बराबरी का दर्जा हमारी भाजपा सरकार में मिला है। श्री शर्मा ने कहा कि 2022 के चुनाव में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे, हमारी 300 से भी अधिक सीटें जीत रही है। इसी के साथ नवाबगंज से जो दावेदार टिकट मांग रहे हैं, उन्हीं में से किसी एक को टिकट की सौगात मिलेगी, लेकिन यह तय है कि प्रत्याशी होगा नवाबगंज का ही, बाहर का नहीं होगा। विवाह समारोह में नवाबगंज क्षेत्र के सभी बीडीसी सदस्यों, प्रधानों, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पत्रकारों को भी शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले पत्रकारों में शरीफुद्दीन मंसूरी, रियाज गुड्डू अंसारी, अखलाक अंसारी, मोहम्मद परवेज अंसारी, कुलदीप सक्सेना, शिवम मिश्रा, विवेक एम रियाजुद्दीन, रियाज अंसारी, दिनेश गंगवार, किशोर गंगवार, दर्जनों की तादाद में पत्रकारों का स्वागत किया। बरेली उत्तर प्रदेश से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आज हमारे पास जो है 71 कन्याओं का जो है यहाँ पे हमने विवाह संपन्न कराया है, जिसमें हमारी 62 जो है हिंदू लोग हैं और 9 लोग जो है वो मुस्लिम लोग हैं। इसके माध्यम से हुआ है, ये जो है हमारे सरकार के माध्यम से हो रहा है। इसमें 35,000 रुपये जो वधू है उसके खाते में पहुँच रहा है, 10,000 रुपये का जो है सामान मिल रहा है और 6,000 रुपये का खर्चा है। इसके अलावा नवाबगंज के जो समाजसेवी लोग थे उन्होंने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और उन्होंने वर और वधु को खूब दान दिया है। यहाँ पे जो कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या क्या व्यवस्था है? यहाँ पे हमने जो कार्यक्रम कराया है इसमें वर वधु के जो सारा सामान है और उनके परिवार के 10-10 लोग और जबकि लोग ज़्यादा आए हैं। इसके अलावा हमारे नवाबगंज के जितने सम्मानित लोग हैं, टीचर लोग हैं, यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं और हमारे नेतागण हैं, पदाधिकारी हैं, उन सबको हमने यहाँ पे जो है बुलाया है। जिस तरह से आपने एक विशाल कार्यक्रम कराया है, तो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं, आज आप यहाँ पे देखिए जिनकी शादियाँ हो रही हैं उनके परिवार कितने खुश हैं, वो लोग कितने उनके चेहरे पे मुस्कान है। अगर आप ऐसी 10 मुस्कानों को भी मुस्कान देते हैं तो समाज बहुत आगे जाएगा और देश तरक्की करेगा। आज हमारे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जो विवाह हुए हैं उसमें 62 हिंदू शादियां हुई हैं और 9 मुस्लिम शादियां हुई हैं। और आप देखिए प्रांगण इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि मन बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ हमारी सरकारी योजनाएं लोगों के चेहरे पे मुस्कान दे सकती है, हमारी भाजपा सरकार लोगों के चेहरे पे मुस्कान दे सकती है, उन्हें खुशियाँ दे सकती है। आज मुझे, मेरी एक बेटी है, मुझे ये लग रहा है कि आज मैं 69 यानी कि 69 ये वाली और एक मेरी 70 बेटियों की माँ बनी हूँ।
देखिए सरकार की, सरकार का जितना सहयोग है वो तो सब रहा ही, इसके अलावा जो हमारे ये क्या वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर एम पी आर्य जी, इसके अलावा विशाल भैया, रमेश भैया, इन लोगों ने भी सहयोग करा है, अपनी इच्छा से उन्हें दान दिया है, क्योंकि उनका कहना था कि हम आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं। विशाल जी का कहना ये था कि हम आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम जो है अपनी बेटियों को दान दे रहे हैं, अगर कहीं और शादी होती तब भी हम दान देते हैं। बस समाज को एकता का प्रतीक बताना चाहती हूँ, हम हिंदू हों या मुस्लिम हों, हमारे अंदर सबके अंदर एक ही खून है, कोई हिंदू या मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना ही हम लोगों को करना चाहिए।